फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है नीतू चौहान और हमारे साथ मौजूद है केसी कोस्टा जी, जो कि इंश्योरेंस की एडवांस जानकारियां देते हैं। वो आज हमें बताएंगे कि बच्चों के लिए हम कौन कौन से प्लान ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा ने बच्चों के लिए कुछ प्लान डिजाइन, जैसे जीवन चिल्ड्रन मनी बैग, कोमल जीवन, जीवन तरुण, ये तीन प्लान बच्चों के लिए हैं जो भविष्य में बच्चों के एजुकेशन और उनके कन्यादान के लिए आवश्यक हैं और ये उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे चिल्ड्रन मनी बैग, ये बच्चों की पॉलिसी है जिसमें रिस्क कवर बच्चों की पॉलिसी लेने के या 2 साल बाद या 8 साल की उम्र से बच्चों की रिस्क कवर दे होती है। फादर के लिए PW बेनिफिट और एक्सीडेंटल बेनिफिट अपन 2 टर्म राइडर के रूप में ले सकते हैं, जिसमें कि फादर को कभी भी कोई घटना के कारण या तो डिसेबिलिटी या डेथ, तो प्रीमियम का लोड परिवार के ऊपर नहीं पड़ता है और बच्चे का एजुकेशन रेगुलर कंटिन्यू चलते रहता है और LIC उसको एक मदद के रूप में 10% समय छूट का कंटिन्यू देती रहती जब तक कि उसकी टर्म पूरी नहीं होती है और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना है वो पूरा ही उसको दे होता है, है ना। जैसे हम 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो लगभग 2000 रुपये प्रीमियम मासिक और 25000 के लगभग ईयरली प्रीमियम आता है। जो बच्चे की ये 2 साल में लिया है तो हमें 18 साल तक देना है, 21, है ना। इसमें टर्म जो है वो तुम्हारे से 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, 18 साल, 20 साल और 25 साल के आसपास की रहती है। अच्छा, तो ये प्लान जितना छोटा आपका बच्चा है तब से आप लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है ना। टोटल 0 से 25 साल तक में मेच्योरिटी अमाउंट मिलना है आपको। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब भी आप ये प्लान ले सकते हैं। बिल्कुल, 0 से। इसमें 18 के बाद उसको समय छूट का तुम्हारे से 10% रेगुलर मिलता है। 2 ऑप्शन में ले सकते हैं इसमें, एक तो एक एक साल के गैप में मिलेगा आपको, एक 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में और 24 साल में, और 26वें साल की एज में उसको मैच्योरिटी मिलती है। मैच्योरिटी में समय छूट प्लस बोनस दिया जाता है जो कि लगभग प्रिंसिपल अमाउंट के, समय छूट के अमाउंट के डबल होता है। ये अमाउंट तो गारंटेड मिलना ही मिलना है। इसके साथ मान लो फैमिली में प्रस्तावक की अगर डेथ हो जाती है तो प्रीमियम का लोड, आर्थिक लोड नहीं पड़ेगा बच्चे पे, और पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी। उसको समय समय पर जो बेनिफिट मिलना है वो रेगुलर मिलते रहेंगे, है ना। ये उसकी आय के आधार पर निश्चित करता है कि वो कितने समय छूट की पॉलिसी ले सकता है। अगर इसमें वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेता है तो ये ऑप्शन मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट भी लेता है तो फादर की डेथ होने के बाद इमीडिएटली एक समय छूट फैमिली को आर्थिक सहायता के रूप में भी दे होता है। ये सबसे अच्छा प्लान, बढ़िया है, बच्चों के लिए लेना ही चाहिए। तो देखा आपने कितना अच्छा है ये प्लान, आपको जरूर लेके रखना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।